कल हमने देखा कॉमेक्स मार्केट में गोल्ड में काफी प्रेशर बिल्ड हुआ, 1310 के आसपास गोल्ड जाके वहीं से फिसला, 1300 के नीचे भी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात करते हैं, 15.45 से लेके 15.50 के आसपास सिल्वर जाके वहीं से फिसल रहा है। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर एक दायरे में ट्रेड होगा। यहाँ पर जो मेजर कंसर्न है वो है यूएस और चाइना के बीच में चल रही ट्रेड डील, जहां पर अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। कल ही एक न्यूज जो आई है उसके उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि जो मार्च में डील होने वाली थी वो हो सकता है अभी अप्रैल तक एक्सटेंड हो, और जिसके चलते हुए हमने देखा कि कॉमेक्स मार्केट में काफी उठक पटक है। साथ ही में बेस मेटल्स में भी कुछ क्लियरिटी नहीं है, यहाँ पर भी थोड़ा मंदी का माहौल दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इसी तरह एक साइडवेज ट्रेंड रहेगा। मेन जो फिलहाल जो कमोडिटी फोकस में है वो है क्रूड। में आपको बार बार बता रहा हूँ कि क्रूड में अभी एक्शन जो है वो सप्लाई कट, ओपेक सप्लाई कट करने की बात कर रहा है। साथ ही में यूएस जो है वो वेनेजुएला और ईरान पे ऊपर सेंक्शन लगा रहा है, जिसके चलते हुए आने वाले दिनों में हो सकता है क्रूड में काफी सप्लाई क्रंच रहे। यहाँ पर जो है $68 के आसपास ब्रेंट को एक अच्छा रेजिस्टेंस है, पर साथ ही में जो ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न है जिसके चलते हुए क्रूड एक फिलहाल एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। पर मेरा ये मानना है कि $68 के ऊपर क्रूड में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, क्रूड लगभग $72 के आसपास जा सकता है। भारतीय वायदा बाजारों की बात करते हैं, जैसे ही कॉमेक्स मार्केट में सेल ऑफ था भारतीय वायदा बाजारों में भी यहां पर काफी सेल ऑफ देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में फिलहाल बाइंग साइड तो कोई पोजीशन नहीं बन रही है, सेलिंग के लिए भी मुझे लग रहा है अभी एक बाउंस का इंतजार करना चाहिए और बाउंस पे सेल करना चाहिए। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो गोल्ड का जो फिलहाल जो सपोर्ट आ रहा है वो लगभग आ रहा है 32,000 के आसपास, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 32,500 के 32,600 के आसपास। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर में नीचे की तरफ जो मेन जो सपोर्ट आ रहा है वो है 37,750 का। अगर यहां से सिल्वर फिसलता है तो हो सकता है 37,250 का एक निचली स्तरों की तरफ फिसल सकता है सिल्वर। मेंथा ऑयल की बात करते हैं, मेंथा ऑयल में मैंने पहले भी बताया था यहाँ तेजी का माहौल है, तो मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे ट्रेडर ने पोजीशन होल्ड की है तो 1660 के आसपास अब एक सपोर्ट रहा है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए और ऊपर की तरफ 1710 1720 के आसपास अपना मुनाफा वसूल कर सकते हैं।